किलोमीटर स्कीम के तहत राई विधायक मोहनलाल बडोली ने 6 बसों को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा रोडवेज के सोनीपत डिपो में किलोमीटर स्कीम के तहत 33 बसों में से 6 बसें शामिल हो चुकी हैं। 6 बसों में से 3 बसें चंडीगढ़ रूट पर, 1 बस जयपुर और 2 बसों को रोहतक और सोनीपत रूटों पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया है। बाकी 27 बसों को भी जल्द ही चलाया जाएगा। बस अड्डे पर 6 बसें जो किलोमीटर स्पीड में लगी हैं, ये शुरुआत इनकी हुई है और यहाँ और भी 33 बसें सोनीपत डिपो में टोटल आनी है और वो धीरे धीरे आएंगी। और ये जो 2020 का वर्ष है, ये 2020 का वर्ष जो है विकास के रास्ते पर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा और जो हरियाणा प्रदेश की लोगों को जिस प्रकार की सुविधा सरकार से चाहिए वो सारी की सुविधाएँ हरियाणा सरकार देने में इस वर्ष में कामयाब रहेगी और वो तेज गति से हरियाणा प्रदेश में विकास के काम होगा। महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन सोनीपत राहुल जैन, जिस तरह से आज यहाँ पर 6 बसों को रवाना किया गया है, इधर 6 बसें भरी हैं, तो क्या खासियत है, कहाँ से किस रूट पर जाएंगी और क्या ये बसें जो किलोमीटर स्कीम के तहत हैं और ये और कितनी बसें शामिल होने वाली? टोटल 33 बसें आनी है, जिनमें से 6 बसें ये आ चुकी हैं, 27 बसें और आनी है। कुछ बसों को लोकल मार्ग पर चलाया जाएगा जनता की सुविधा के अनुसार और कुछ बसों को लंबे रूट पर चलाया जाएगा। क्या बसें किलोमीटर स्कीम के तहत भी चलेगी जो हरियाणा? ये 33 की 33 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चलेंगी। जो 6 बसें हैं वो कहाँ चलेंगी सर? 3 चंडीगढ़ जाएंगी, 1 जयपुर जाएगी और 2 बसें रोहतक और सोनीपत के चक्कर लगाएंगी। अब तक कितनी बसें, कितने बसों की जरूरत में कंप्लीट हो जाएगी? काफ़ी वर्षों से मांग थी कि बसें बढ़ जाए, काफ़ी बसें जो है कंडम हो चुकी थी। तो 33 बसें तो यही आ रही हैं, कुछ एक हमारी गवर्नमेंट की बसें भी आएंगी, तो जनता की मांग के अनुसार लगभग पूरी हो जाएंगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।